जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट एज अग्निवीर। अगर अग्निपथ स्कीम के तहत आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं एज अग्निवीर, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, आपकी जो है दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपकी एज क्या होगी और कौन कौन सी ट्रेड में अग्निवीर की भर्ती होगी, तो पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहां पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो ये देखिए जेसीज ओआर की यहां पर जो लाइन चल रही है इसमें आपको मिल जाएगी ये वाली नोटिफिकेशन जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट एज अग्निवीर। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि कल यानी कि सोमवार से आपके जो है वो इंडियन आर्मी में एज अग्निवीर के जो है वो नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि आपको एज में रिलैक्सेशन मिला है या नहीं मिला है और आपकी जीडी, टेक्निकल क्लर्क, ट्रेडमैन या फिर जो भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या एज होनी चाहिए, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना आपका परसेंटेज होनी चाहिए। तो वन बाय वन हम इस वीडियो में एक एक ट्रेड का जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है दोस्तों अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स। ठीक है, तो अगर आप जीडी में भर्ती होना चाहते हैं एज अग्निवीर तो आपकी जो एज लिमिट है दोस्तों पहले होती थी जीडी के लिए 17.5 से 21 साल, लेकिन ये वन टाइम जो है वो रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है कोविड की वजह से, जो कि राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला है। तो 17.5 से 23 साल तक जो है वो आपकी एज लिमिट यहाँ पर, मतलब जीडी में भी 2 साल बढ़ा दी गई है। तो 17.5 से 23 साल तक अगर आपकी एज लिमिट है तो आप जीडी में भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th पास होना जरूरी है और 45% मार्क्स होना चाहिए और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 33% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, 10th क्लास पास होना चाहिए, 10th क्लास में आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 45 होनी चाहिए और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स। ठीक है, टेक्निकल के लिए दोस्तों एज लिमिट जो पहले थी वो अभी भी है 17.5 से 23 साल और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो है 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप टेक्निकल की भर्ती देख रहे हैं एज अग्निवीर तो आप इंटर पास होना चाहिए यानी कि 10+2 12th क्लास पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास में होना मैंडेटरी है। उसके बाद में आपके मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% मार्क्स होने चाहिए और 40% से मार्क्स जो है वो किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि 10+2 यानी कि 12th क्लास पास होना चाहिए, सब्जेक्ट आपके पास में ये 4 मैंडेटरी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ओवरऑल परसेंटेज आपकी 50 होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम क्लर्क की और स्टोर कीपर की। तो अगर आप अग्निवीर स्कीम के तहत क्लर्क या स्टोर कीपर बनना चाहते हैं, आपकी जो यहाँ पर हाइट और चेस्ट था वो सेम पहले जैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है, तो क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए आपकी जो एज लिमिट पहले थी वही है 17.5 से 23 साल और इसमें आपको आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से आप होना चाहेंगे, इंटर जो है वो यानी कि 12th क्लास पास होना चाहेंगे, ओवरऑल परसेंटेज जो है दोस्तों वो आपके 60% होना चाहिए, मिनिमम आपके किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ के बात के लिए 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, 60% मार्क्स ओवरऑल मार्क्स जो है वो 60% होना चाहिए और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब चलते हैं दोस्तों हम अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास। ठीक है, तो अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास की जो वैकेंसीज हैं उसकी एज लिमिट 17.5 से 23 साल दी गई है, क्लास 10th पास होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों नंबर 6 अग्निवीर ट्रेड्समैन एज 8th पास। ठीक है, 17.5 से 23 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए,
आप इसमें 8वीं क्लास पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में 33% मार्क्स से कम नहीं होना चाहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बहुत बड़े पॉइंट की, जो कि आपके लिए इस वीडियो में अभी तक नहीं बताया गया है, ठीक है। चलिए इसके लिए आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए नोट। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है, कहीं यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ठीक है, स्टार। तो ये जो एज लिमिट है दोस्तों, केवल एक टाइम के लिए, मतलब वन टाइम। 2022 में अगर आप आर्मी की भर्ती देखेंगे तभी आपकी एज जो है 17.5 से 23 साल ली जाएगी, वरना आपकी जो एज है वो 17.5 से 21 साल ही ली जाएगी, चाहे आप टेक्निकल, क्लर्क, जीडी, ट्रेड्समैन किसी की भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हों। अब आप इसके लिए पढ़ लीजिए, ये स्टार मार्क यहाँ पर सभी में जगह इसीलिए किया गया है। इसका मतलब है दोस्तों, द अपर एज लिमिट हैज बीन रिलैक्स्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 23 ईयर्स एज ए वन टाइम मेजर फॉर द रिक्रूटमेंट ईयर 2022 एंड 2023। तो आप ये मत समझना कि 2023 में भी अप्लाई हो गई, रिक्रूटमेंट ईयर की बात हो रही है जो कि केवल 2022 तक ही है, ठीक है। तो 2022 में जो भर्तियां होंगी उनमें एज लिमिट आपके लिए 2 साल ज़्यादा दी जा रही है, लेकिन उसके बाद में चाहे आप किसी भी ट्रेड की भर्ती देखें, सभी के लिए आपकी जो एज लिमिट होगी वो 17.5 से 21 साल ही होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है अग्निवीर के लिए उसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।